हमारा शो इंदु सुंदरेसन की फेमस किताब द ट्वेंटीएथ वाइफ पे बेस्ड है और इसे हम शूट करने आए हैं ऑल द वे टू बीकानेर. मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निबोरी मने काड़ी लागे. बीकानेर एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जगह है जहाँ आमतौर पे बहुत शूटिंग करने के लिए लोग नहीं आ पाते. इसी वजह से बिल्कुल ही अनटच्ड ब्यूटी है इस जगह की. इस शो की शूटिंग रियल लाइफ पैलेस में हो रही है, लक्ष्मी निवास पैलेस. यहाँ पे हम सब जैसे ही आते हैं खुद ब खुद कैरेक्टर में आ जाते हैं. हमारा शो मुगल एरा के उस सुनहरे टाइम में बेस्ड है जब शहंशाह अकबर रूल किया करते थे. अबुल फजल, हमने एक फैसला किया है. जहां बना जिजिया को बर्खास्त कर दिया जाए. खबरदार, इस महफिल की जान जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं. मैं उदय टिकेकर, मैं शहंशाह अकबर का रोल कर रहा हूँ. उनसे कहिए हम मसरूफ हैं, वो इंतजार करें. उस जमाने के जो पॉलिटिक्स हुआ करते थे घरेलू या दरबार में, उन सब को लेके ये सीरियल हमारी बन रही है. एक्शन. शहजादे सलीम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना इसमें. मतलब सलीम कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसा सब कुछ नहीं है उसमें. मेलोड्रामा जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन इंटेंसिटी वही है. जब हम बादशाह बनेंगे ऐसी ना. आप बादशाह बनेंगे आपकी तकदीर की वजह से, आपकी पैदाइश की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से नहीं. ये कहानी शुरू होती है अकबर के शासनकाल से, जिसमें कि अकबर के बाद सलीम राजा बनना चाहते हैं ऑफकोर्स, और किस तरह औरतों के जनाना की अपनी पॉलिटिक्स होती है और मर्दों के अपने पॉलिटिक्स होते हैं. हाय, मैं हूँ चारू शंकर. हाय, मैं हूँ जन्नत जुबैर. और हमारे शो में आपको एक नहीं दो दो मेहरुनिसा मिलेंगी. देखिएगा भाईजान, एक दिन इस सिक्के पे हमारी तस्वीर होगी. मेहरुनिसा बहुत ही स्मार्ट होती है, बहुत समझदार होती है, और जितनी समझदार होती है वो उतनी ही खूबसूरत बन चुकी होती है. और उसके बाद उसका इश्क होता है शहजादे सलीम से, और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है. देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपकी बातों में इतना तजुर्बा दिखाई देगा. पता नहीं इसे हम अपनी तारीफ समझे या कुछ और. मेहरुनिसा जो कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि सबसे डिप्लोमेटिक कैरेक्टर वही रहा है. जी पाशा बेगम, जानते हैं. तुम कितना कुछ जानती हो निसा, फिर पता नहीं कैसे गलतियां कर लेती हो. आदावर्जे, मेरा नाम है दीपिका अमीन और मैं हूँ रुकैया बेगम. अब रुकैया बेगम होती है अकबर की सबसे पहली बीवी. मैं इस जनाने में सबसे इम्पोर्टेंट हूँ. अगर कोई भी रुकैया बेगम से टक्कर लेने की कोशिश करता है तो वो उनको इस तरह से सीधा करती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चला कि उन पे वार किया गया है. नमस्कार, मेरा नाम मेजर विक्रमजीत है और मैं इस सीरियल में अबुल फजल का रोल प्ले कर रहा हूँ. वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे. एक्चुअली मैं वो अकबर की जो पूरी हिस्ट्री थी और उनकी जो पूरी दास्तां थी उसको लिखते थे उनके लिए, बिकॉज अकबर बेसिकली अनपढ़ थे. नमस्कार, आज हमारे शेखों की शादी है. हर आदमी के लाइफ में जो बुरा वक्त आता है, विच इज वेडिंग, इज हैपनिंग बिटवीन सलीम एंड जगत. मैं हूँ जगत गुसैनी और ये हैं हमारे शहजादे. मुझे कबूल है? मुझे नहीं. कबूल के लिए बोलूंगा. एंड एक्शन. देखो बस. ओके, सही है, गुड. मैं 12 साल की मेहरुनिसा हूँ. और मैं 12 साल की हम बहुत मजे करते हैं साथ में और बहुत ही मस्ती से शूटिंग करते हैं. मेहरुनिसा के बारे में क्या कह सकते हैं, नाम ही इतना खूबसूरत है. फिर जब शक्ल देखी तो दूसरी बार सोचने में थोड़ा मजबूर हो गया था. क्या? नहीं, मतलब पहली बार देखा तो दूसरी बार देखने में मजबूर हो गया था. अच्छा, वैसे मेरा मतलब होता है. बम्बई से 150 लोग यहाँ आए, यहाँ बीकानेर में बस गए. बीकानेर की गर्मी से लड़ाई की, झूझे,
सारी परेशानियों से हटकर एक कमाल का शो बनाया। इस कहानी में वो सब कुछ है जो कि एक कंप्लीट व्यूइंग एक्सपीरियंस बन जाता है। ड्रामा, लव स्टोरीज, एक्शन, हिस्ट्री, ग्रेट लोकेशंस, फैंटास्टिक कॉस्ट्यूम्स। आई एम श्योर यू विल लाइक इट।